बीएचयू में धरना प्रदर्शन करने पर अब छात्रों के साथ साथ छात्राओं पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसकी शुरुआत आईआईटी बीएचयू की दो लड़कियों को नोटिस देकर कर दी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की दो छात्राओं को एमएमवी के गेट पर प्रदर्शन के लिए नोटिस जारी किया गया है। लड़कियों का कहना है कि ये हमारी आज़ादी पर हमला है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो 23 सितंबर को एक ओपन माइक इवेंट हुआ उसका हम लोग हिस्सा बने आईआईटी से, मैं इप्सिता और वंदना, तो हम दोनों के बारे में बीएचयू प्रशासन ने नोटिस निकाला। जो लड़कियां अपने लिए आवाज़ उठा रही है, लड़कियों के मुद्दों के लिए आवाज़ उठा रही है, उन पर उन्होंने एक नोटिस भेजा आईआईटी प्रशासन को। ये देखिए, पहली बात तो ये जो उनको नोटिस मिली है ये आईआईटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको दी है। दूसरा मैं बताना चाहती हूँ कि 23 तारीख को कुछ बच्चों ने नाटक के रूप में और कुछ कविताएं पढ़ने के रूप में कुछ नारे लगाए थे, और उसके बाद जो है इन बच्चों ने शायद आईआईटी में भी कुछ प्रोटेस्ट किया होगा, मुझे इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जब हम लोग किसी और प्रकरण में गए थे तो जब वो वीडियोस देखी गई तो उन दो लड़कियों को पहचाना गया, ये बच्चों को उत्तेजित कर रही थी नारे लगा के। तो ये उन्होंने मांगा था, उनके यहाँ इंक्वायरी कमेटी बैठी और शायद उन्होंने ये डिसीजन दिया है। मैंने बीएचयू कभी भी बिना इंक्वायरी के या बिना स्टैंडिंग कमेटी के उनको वो नहीं कर सकता। उन्होंने वीडियो फुटेज और एविडेंस हम लोगों ने दिए कि आपकी बच्चों ने यहाँ पे एमएमवी के चौराहे पे जो कि बीएचयू का पार्ट है, आईआईटी बीएचयू का पार्ट नहीं है, वहाँ पे आके बच्चों को उत्तेजित किया है, कविताएं पढ़ी है, जो जो से आजादी के नारे लगाए। एक बार फिर से बीएचयू में मामला उठता दिख रहा है, गर्ल्स सुरक्षा और गर्ल्स की तरफ से आवाज़ बुलंद होती दिख रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आगे पूरे प्रकरण में क्या कार्रवाई होती है और इन दोनों गर्ल्स के खिलाफ किस तरह का एक्शन लिया जाता है। गोपाल मिश, ईटीवी, वाराणसी।